हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योगी ऑटोमोबाइल्स। और दोस्तों, आज हमारे सामने है छोटी सी प्यारी सी एमजी की कॉमेट ईवी। वेरिएंट की बात करें तो ये है बेस मॉडल। गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस गाड़ी के फुल वॉक अराउंड रिव्यू, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलने वाले हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूं तो 852 लाख की आप यहां पे ऑन रोड कॉस्ट हो रही है। और अभी हमें एरोमा कार प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में इस गाड़ी की रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में डीलर नंबर मेंशन है, फटाफट से अपना अपॉइंटमेंट बुक करें फॉर फर्दर इंक्वायरीज। और बात करें इस गाड़ी के फीचर्स की या फिर फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल काफी आपको यहाँ पे क्लासिक मिल जाती है, देखने में काफी प्यारा लग रहा है फ्रंट में। एंड यार, आप मिड में देखेंगे तो जो आपके यहाँ पे इल्यूमिनेटेड एमजी की ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाती है और ये भी ग्लॉसी है गाइस, और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। पर एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप ये पुश करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना इसकी चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाती है। एंड देन फ्रंट में आप देखेंगे तो फ्रंट में पूरे आप यहाँ पे जो है ना क्रोम इंसर्टेड ग्रिल मिल रही है, जो कि यहाँ पे इंसर्टेड है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ, ब्लैक में है तो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। बात करें अगर हम इसके हेडलैम्प्स की, तो आपके यहाँ पे जो है ना प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑफर करे गए हैं, एलईडी नहीं दिया गया है। एंड डाउन में आप देखेंगे तो आपको ये जो मिलने वाली है आपकी साइड इंडिकेटर मिलने वाली है, जो कि फिनिशिंग बहुत अच्छी है और इल्यूमिनेटर आपके यहाँ मिल रही है। फ्रंट में स्किड प्लेट तो नहीं है, बट आपको ग्रिल्स मिल रही है, वही मैटी ब्लैक कलर की ग्रिल्स ही अवेलेबल है। एंड छोटी सी बहुत प्यारी सी, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि भाई ये जो है ना एमजी की नैनो, अपन इसको ईजिली बोल सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत छोटी साइज जो है ना, बहुत कॉम्पैक्ट साइज आपके यहाँ पे मिल जाती है। एंड वहीं अगर हम बात करें इस गाड़ी के टायर की, तो 12 इंच के आपके यहाँ पे टायर्स अवेलेबल मिल जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे व्हील कैप मिल रही है आपको, अलॉय व्हील्स ऑफर नहीं करे गए हैं। गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी देखेंगे तो काफी आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी सफिशियंट दिया गया है। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके यहाँ फ्रंट क्रोम इंसर्टेड ग्रिल्स आती है ना, वो पूरी आपकी ओआरवीएम तक यहाँ पे मिलने वाली है। और ये रहा अपना साइड इंडिकेटर ऑन ओआरवीएम, ओआरवीएम पे आप यहाँ पे साइड इंडिकेटर प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड ओआरवीएम आप देखेंगे तो बॉडी कलर नहीं है, फुल्ली ब्लैकआउट फिनिशिंग में है, काफी प्यारा लग रहा है व्हाइट कलर पे। मतलब कलर कोई सा भी हो पर ब्लैक कलर जो उसमें कॉम्बिनेशन मिल जाती है, देखने में डेफिनेटली वहाँ पे बहुत प्यारा लगता है। एंड थोड़ी सी लाइट है इसलिए कुछ इशू हो रहा है, अदरवाइज गाड़ी की साइड प्रोफाइल ऐसी मिल रही है। एंड डोर हैंडल की बात करें तो आपके यहाँ पे क्रोम इंसर्टेड डोर हैंडल कुछ इस तरीके से मिल जाती है। अभी मैं को ड्राइवर साइड में, को ड्राइवर साइड की डोर की जो हैंडल आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। और ये जो ग्लॉसी फिनिशिंग है ना, बहुत प्यारा लग रहा है पीछे का, ये आपका क्वार्टर पैनल ग्लासेस। एंड सीटर तो खैर 4 है, पर अंदर चलेंगे तो दिखाऊंगा मैं, ये क्वार्टर पैनल ग्लासेस हैं। डोर आपके यहाँ पे केवल 2 ही मिलने वाली हैं। एंड यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक की बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि ये भी इल्यूमिनेटेड है और ग्लॉसी फिनिशिंग में है। प्यारा बहुत लग रहा है यार, मतलब छोटी सी गाड़ी, चीजें मतलब जो भी है ना इसमें जो भी करा गया है काफी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है ना स्पॉइलर अवेलेबल्स मिल जाती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिफॉगर भी अवेलेबल है, माउंटेड स्टॉप लैंप एंड डिफॉगर की लाइनें अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे देखेंगे तो वाइपर नहीं मिल रही है। एंड रियर में देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिशिंग सेम आपको यहाँ पे गाइस दिया गया है, मिल रही है। एंड यहाँ पे देखेंगे क्रोम इंसर्टेड भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड बीच में देखेंगे तो आपके यहाँ पे एमजी की ब्रांडिंग लोगो, देन कॉमेट की आपके यहाँ पे एम्बलम देखने को मिलने वाली है। देखने में काफी प्यारा लग रहा है ना, बहुत यूनिक सा लग रहा है कॉमेट, बहुत छोटी सी गाड़ी है। एंड 4 सीटर भी है, फिर अपन अंदर जाके बात करेंगे वो चीज़ है ना। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको टेल लाइट दिया गया है, जो कि एलईडी नहीं मिल रही है आपको यहाँ पे जो है ना। टेल लाइट जो दिया गया है वो ऑलरेडी आपको जो यहाँ पे हैलोजन ही मिल रहा है। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो साइड इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जा रही है दोस्तों। एंड हियर अपना रिफ्लेक्टर्स, और सेफ्टी की बात करें तो खैर रिवर्स पार्किंग कैमरा तो नहीं है, पर सेंसर्स आपको यहाँ पे 2 मिल रही है, जो कि यहाँ पे मिलने वाली है। एंड देन ये रहा, एक नीचे भी आपको लाइट मिलती है जो कि स्टॉप लाइट है, खैर नीचे मिल रहा है। पर एक चीज़ है, फ्रंट ने स्किड प्लेट मिल रहा है, ने रियर स्किड प्लेट मिल रहा है। खैर ये तो यार बेस मॉडल है, अपन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईवी की आपको यहाँ पे जो है ना बैचिंग देखने को मिल जाती है। एंड ओपन करने के लिए बूट आपको यहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक बटन दिया गया है, इजी पुश करते ही आपकी ये ओपन हो जाएगी। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना तो बूट स्पेस नहीं है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 50-50 में आपको यहाँ पे जो है ना स्प्लिट में यहाँ पे सीट दी गई है, तो आप इसको चाहे तो इजी इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप नहीं, अगर 4 लोग हैं तब वो फोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन बूट स्पेस ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपके यहाँ पे 3.3 किलोवाट का चार्जर आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपकी गाड़ी को फुल चार्ज करेगा 7 आवर्स में। 7 घंटे आपको लगेंगे गाड़ी को आपको चार्ज करने में। और इस गाड़ी की रेंज की अगर हम बात करें तो आपको गाड़ी की रेंज जो है ना 230 किलोमीटर की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो पहले चलो कर लेते हैं अपन इसको बंद। एक्सटीरियर, वहीं अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, पर पहले बात कर लेते हैं इसकी की
दोस्तों की कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें फॉलो मी हेडलैम्प्स, लॉक एंड अनलॉक का आपको यहाँ पे बटन मिल जाती है कि मतलब जो आपको मिलने वाली है टोटली कीलेस एंट्री मिलने वाली है और फ्लिप की आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। जितनी प्यारी गाड़ी है ना उतनी प्यारी आपको यहाँ पे दोस्तों की भी मिलने वाली है। एंड सेम आपको जो ड्राइवर साइड है सेम इंटरफेस आपको साइड का मिलने वाला है, सेम आपको यहाँ पे जो साइड प्रोफाइल मिलने वाली है। एंड चलो कर लेते हैं ड्राइवर साइड के डोर को ओपन। ओपन करने के लिए बस आपने को ओपन ये हो गई। एंड अगर मैं बात करूँ डोर ट्रिम की तो डोर ट्रिम आपको यहाँ पे बहुत प्यारा सा लग रहा है। कई आपको यहाँ पे जो कलर्स कंट्रास्ट मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ग्रे कलर का आपको यहाँ पे जो है ना हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है। एंड देन मैं वहीं बात करूँ इंटरनल डोर हैंडल की तो आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्टेड डोर हैंडल्स अवेलेबल हो जाती हैं। एंड ट्विटर्स की प्लेसमेंट है यहाँ पे। एंड देन ये जो हार्ड मटेरियल जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, बेसिकली हार्ड मटेरियल है। और ये जो कल ब्लैक कलर एंड ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत प्यारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्पीकर प्लेसमेंट गाइज आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये रहा अपना बॉटल होल्डर की जगह, आप बॉटल होल्डर आप यहाँ पे बॉटल इजी रख सकते हैं। कुछ चीज़ें सामान भी आपके यहाँ पे रखने के स्पेस मिल जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर काफ़ी प्यारा लग रहा है। मतलब छोटी सी गाड़ी है पर बाहर से आपको छोटी भले लगती है पर अंदर देखेंगे तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है। खैर अपन अंदर चलेंगे, वो मैं बैठ के आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली आपको स्पेस कितना मिल रहा है। एंड बाहर से आप देख पा रहे होंगे जैसे स्टेयरिंग काफ़ी प्यारा लग रहा है, पर उससे पहले जो आपकी यहाँ पे जो सीट मिलने वाली है ना रिक्लाइन मिलने वाली है, हाइट एडजस्टेबल नहीं दिया गया है। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर अवेलेबल हो जाती है। और ये जो है ना आपकी यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोलिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि बेस मॉडल इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, स्पीडोमीटर ही आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड आई थिंक सब चीज़ें आपको यहीं मिल जा रही है, तो स्पीडोमीटर भी यही है और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी यही अपन मान सकते हैं। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो कुछ सामान आप इजी रख सकते हैं। और ये रहा ऐसे इवेंट्स, काफ़ी विंटेज कार जैसे ऐसे इवेंट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। सब चलते हैं अंदर, वहाँ जाके बात करते हैं क्या क्या कुछ आपको फीचर्स अवेलेबल हो जाती है इस गाड़ी के अंदर। सो लेट्स गो गाइस। गाइस हम फाइनली आ चुके हैं MG कॉमेट के अंदर और अंदर आते एक बार आप डैशबोर्ड देख लो। डैशबोर्ड काफ़ी प्यारा लग रहा है, गाड़ी छोटी सी बहुत प्यारी सी है और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। खैर इस गाड़ी को ड्राइव जो भी करेगा ना उसको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड यहाँ पे देखेंगे स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग फुल्ली राउंड मिलती है, लेदर नहीं दिया गया है। मिड भी देखेंगे तो यहाँ आपको MG की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग लोगो। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो ऑडियो कंट्रोल्स एंड कॉलिंग कंट्रोल्स दिया गया है गाइस। एंड यहाँ से आप मूड चेंज करना है, आप मूड चेंज यहाँ से आप इजी कर सकते हैं। एंड देन यार जो स्टेयरिंग पे आपको कॉम्बिनेशन मिली है ना वाइट कलर की एंड देन ब्लैक जो ग्रेस कलर का आपका स्टेयरिंग है वो काफ़ी प्यारा लग रहा है। स्टेयरिंग की बात करूँ बेस मॉडल है, एडजस्टेबल आपको स्टेयरिंग नहीं दिया गया। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको वाइपर वॉशर की कंट्रोलिंग मिल जाती है। एंड देन यहाँ पे देखेंगे आप तो हेडलैम्प कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड बात करें हम इसके स्पीडोमीटर बोल लें या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम बोल लें, सब यही है और सामने आपको यहाँ पे दिखने वाली है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो पूरा रेंज आपकी गाड़ी यहाँ पे 118 किलोमीटर का रेंज दिख रहा है। एंड 59% गाड़ी के चार्ज, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे दी गई है, FM रेडियो FM यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। देन टाइमिंग टेम्परेचर सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो होने वाली हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे AC फैन कितने पे चल रहा है, कितना मतलब नंबर पे चल रहा है, वो चीज़ें सारी चीज़ें होने वाली हैं। ओडो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 21 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे शो होने वाली है। एंड जैसे मैं यहाँ पे यार डैशबोर्ड में आया ना भाई, तो डैशबोर्ड ना बड़ा प्यारा लगा मुझे इसका। यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर एसेंट्स है, सिल्वर फिनिशिंग है, बहुत प्यारा लग रहा है। और जो इसकी AC विंड्स है ना, ये मतलब पूरा यार विंटेज कार वाली मुझे ना बिल्कुल फील करा रही है, मतलब पूरा विंटेज कार वाली फील हो रही है। एंड देन यहाँ पे भी देखेंगे तो AC कंट्रोल्स आपको ऐसे मिल जा रही हैं, तो मतलब बहुत प्यारा लग रहा है देखने पे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मतलब जो कंट्रोलिंग है कुछ इस तरीके से मिल रही है, विंटेज कार में भी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाती है। कुछ स्टोरेज है यहाँ पे, ग्लोव बॉक्स का नहीं दिया गया है यहाँ पे। एंड सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। सेफ्टी की बात कर लें तो डबल एयर बैग ऑफर करा गया है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक को ड्राइवर साइड आपको वहाँ पे दी जा रही है। थोड़ी ऊपर में बात करेंगे तो सनवाइज़र है, वैनिटी मिरर नहीं मिल रही है। एंड ये रहा रीडिंग लाइट, जो कि आपको यहाँ पे LED मिलने वाली है। एंड को ड्राइवर साइड का सनवाइज़र वह आपको यहाँ पे जो है ना टिकट होल्डर के साथ दिया गया है। और दोस्तों ये रहा IRVM, जो कि नॉर्मल सा है, डे एंड नाइट आपको यहाँ ऑटो IRVM नहीं मिल रही बेस मॉडल पर। और सीट की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, तो आपको जो है ना यहाँ पे इल्यूमिनेटेड सीट मिल रही है, मतलब आपको यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं दिया गया है। फैब्रिक अपहोस्ट्री है और सीट कंफर्टेबल है, मतलब चार लोग बहुत आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे जो है ना आपको ड्राइविंग मोड्स है, मतलब ऑटो में आती है बेसिकली ये गाड़ी, यहाँ पे मैनुअल में नहीं मिलेगी आपकी। जो है यहाँ पे न्यूट्रल, ड्राइविंग मोड, रिवर्स, आपकी सारी चीज़ें हैं। चार्जिंग प्लग हो रही है तो सिचुएशन पे यहाँ पे ये चीज़ें शो होगी। और कितना प्यारा लग रहा है यार देखने पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी प्यारा लग रहा है इसका जो बनावट है। एंड यहाँ पे जो है ना पावर विंडो कंट्रोल्स है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है,
ड्राइवर और कोड्राइवर साइड की जो है ना, दोनों साइड आपको यहाँ पे जो है ना ऑटो डाउन मिल रही है, बट ऑटो अप नहीं दिया गया बेस मॉडल पे ही। एंड ये जो कंसोल्स है ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, ग्रेश कलर में है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेस की बात करूँ गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितना स्पेस है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे पैर फैला कर आराम से यहाँ पे बैठ सकता हूँ, बट गाड़ी अगर ये सामने अगर मैं आगे भी करता हूँ सीट, तो इतना सीट पीछे आ जाएगा, और दो सीटें पीछे भी हैं तो वहाँ भी काफ़ी स्पेस अपने को मिल जाती है। सो वहाँ पे पीछे वाले सीट पे जाकर मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ कि वहाँ पे भी आपको कितना स्पेस मिल रहा है। ये गाड़ी फोर सीटर है, फोर सीटर में कितनी वर्थी है, आपको ये गाड़ी वर्थी लगी, इसके फीचर्स अच्छे लगे बेस मॉडल की नहीं लगे, आप ये ना जरूर कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताएं। तो अब चलते हैं पीछे वाले सीट पे, सो लेट्स गो। फ्रंट सीट के स्पेस तो दिखाया है आपको, पर चलो अब रियर सीट के स्पेस देखते हैं अपन। एंड पहले आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके सीट आपको आगे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पीछे वाले सीट पर जा पाएंगे। एंड फाइनली गाइज हम आ चुके हैं पीछे वाले सीट पर। एंड पीछे वाली सीट की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे इजी दिखा पाऊँगा, स्पेस जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतना है। एंड स्पेस तो खैर काफ़ी है यहाँ पे, बच्चे मतलब बच्चे बैठेंगे तो उनके बहुत कंफर्टेबल है। अगर चार फैमिली है, अगर हस्बैंड वाइफ एंड दो बच्चे, उसके लिए बहुत आपको यहाँ पे कंफर्टेबल जर्नी और बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही मेंशन करा था कि ये गाड़ी की जो रेंज है आपको 230 किलोमीटर का आपके यहाँ पे रेंज दे रही है, एक चार्ज करेंगे आपको 230 किलोमीटर चलेगी, तो इतना आपको यहाँ पे रेंज मिलने वाली है। सो स्पेस भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, चलते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन पे, कितना पावर एंड टॉर्क्स आपको गाड़ी जनरेट करके देती है, तो वहाँ जाके अपन आप देखते हैं और कितने आपको यहाँ पे बैटरी जो है कितनी किलोवाट का आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो लेट्स गो गाइस, ये तो था कॉमेट ईवी का इंटीरियर एक्सटीरियर। बात करें इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको यहाँ पे 17.31 किलोवाट का बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि 41.14 bhp पावर जनरेट करती है एंड 110 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे टॉर्क जनरेट करके देती है गाड़ी। जैसे मैंने आपको इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाया, गाड़ी के फीचर आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।